हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता टैरो गाइडेंस पे। आप अगर नए हैं इस चैनल पे, आपने पहली बार क्लिक किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ, और आज की रीडिंग आपने रिक्वेस्ट की थी, सो मैंने सोचा क्यों ना आज की आपकी रिक्वेस्टेड ही टॉपिक पर रीडिंग कर ली जाए। दोस्तों, इससे पहले मैंने हु इज़ योर फ्यूचर हस्बैंड, हु विल यू मैरी एंड लाइफ आफ्टर मैरिज की रीडिंग को पोस्ट किया है, ठीक है ना, अपलोड किया है चैनल पे। तो आपने अगर उसे चेक नहीं किया है तो चेक कर ले, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, सो डेफिनेटली आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है, डेफिनेटली इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। एंड चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपके नेक्स्ट 7 डेज के लिए। चैनल पे प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसे आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आप ऐसी कोई रीडिंग्स आपसे मिस हो गई है तो वो फिर आप वहाँ पे देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जो मैसेज आपसे रिजोनेट होगी वो रखिएगा, और जो रिजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। ओके, वी हैव गॉट द फर्स्ट कार्ड विच इज 3 ऑफ कप्स। एंड अनदर थिंग इज दैट, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें या फिर मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी मेल आईडी और प्रोफाइल लिंक। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, वी हैव द डेविल। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। सो दोस्तों, ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो, ठीक है ना, उससे नेक्स्ट 7 डेज के लिए वैलिड है, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आपके सामने ये रीडिंग आई है, सो अनदर 7 डेज के लिए ये रीडिंग वैलिड है। ओके, सो हमारे पास आया है 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द डेविल एंड 4 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। ओके, हो सकता है आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं कुछ लोग। दोस्तों, हम कुछ और कार्ड्स ले लें एंड फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी हैव सॉरो, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विच इज मैच्योरिटी। वी हैव पेशेंस, वी हैव हीलिंग, 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया हीलिंग, वाओ। एंड वी हैव सप्रेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज कॉन्सियसनेस विच इज एस ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपको 10 10 बहुत नज़र आ रहा होगा, घड़ी पे, मोबाइल पे, ठीक है, क्लॉक कहीं पे भी, ठीक है ना, 10 10 आपको नज़र आता होगा। 4 4 नंबर कैन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 15 नंबर कैन भी इंपॉर्टेंट, नंबर 7 कैन भी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हो सकता है आपकी हेल्थ इशूज़ चल रही हैं, ठीक है, आपकी हेल्थ इशूज़ चल रही है, आप उसके लिए बहुत वरीड हो। कुछ लोग के लिए हो सकता है आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर हो, आप एग्ज़ाम्स के लिए वरीड हो, आपके ऊपर में आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप एग्ज़ाम्स लिखने वाले हो कुछ सिग्निफिकेंट, एंड उसके लिए आप बहुत वरीड हो, आपको फील हो रहा है कि आपने सफिशेंट तैयारियां नहीं की है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड समवेयर हो सकता है कुछ लोग, आप लोग रिलेशनशिप में ऐसे मोड़ पे आ चुके हो जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आप स्टक हो चुके हो, ठीक है ना, आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बैलेंस नहीं बन पा रही है। ओके, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, यहाँ बहुत सारे सिनेरियोज़ की एनर्जीज मुझे मिल रही है, सो मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड जितनी जो मैसेज आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है वो डेफिनेटली आपके लिए है, और जो नहीं हो रही है उसे छोड़ दें बाकी के लिए। ओके, समवेयर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है। ओके, एंड ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आप सैड फील कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस पर आपके फाइट हो गए हैं, एंड आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए वेट कर रहे हो आपकी
हो सकता है आप ऐसे कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, एंड वहाँ पे वर्क कर रहे हो और आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ किसी अपॉर्चुनिटी को लेके, वो प्रोजेक्ट, वो पर्टिकुलर काम आपको चाहिए, वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, बट वो आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, आप उस वजह से बहुत वरीड हो, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आनी चाहिए ऐसा आपको लग रहा है। एंड आपके लिए आया है दोस्तों पेशेंस का कार्ड, ठीक है ना, एंड हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, अगेन आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इवन दो आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको लगे कि ये हमारे सामने नहीं आने वाली है, ठीक है, फिर भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपको फील हो रहा है कि आप सही हो, लेकिन फिर भी आपकी फैमिली आपकी बातें नहीं मान रही है, आपके पार्टनर आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको मैच्योरिटी के साथ सभी चीज़ों को डील करना है, ठीक है ना, आपको मच्योर, आपको दिखाना है कि आप मैच्योर हो, ठीक है ना, आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। डेफिनेटली आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, आप बहुत सैड फील कर रहे हो, ओके, इन द रिलेशनशिप ऑल्सो, मैरिज में भी आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, आपको फील हो रहा है कि आपके जो इन लॉज है वो आपके प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पा रहे हैं, एंड समवेयर आप उन अपने आप को उनके सामने करेक्ट प्रूव करना चाह रहे हो, ठीक है, एंड हो सकता है आप एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाना चाहते हो, लाइक हो सकता है आप पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हो, मैरिज के लिए बाहर जाना चाहते हो, या फिर एक मुझे डिस्टेंस मूविंग दिख रहा है, ठीक है ना, आप बाहर जाना चाहते हो एंड आपको फील हो रहा है कि वो चीज़ें होंगी कि नहीं, समवेयर आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कुछ लोगों से, फैमिली से, आपके स्पाउस से, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। हेल्थ इश्यूज़ है, डेफिनेटली वो हील हो जाएंगे, आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत हो सकती है, और बहुत ही ज़्यादा आपको एक सही रूटीन की तरफ भी जाना है, आपको खुद को केयर करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, आपकी क्राउन चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग की ज़रूरत है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्या मैसेजेस है। वी हैव प्लेफुलनेस, वी विल कीप दिस कार्ड हियर, इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव गिल्ट, ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, वाओ, वी हैव हारमोनी, वाओ, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल, यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, ठीक है ना, जो आपके अपने तो हैं बट आपके लाइफ में वो खुशियाँ नहीं चाहते कि आपकी खुशियाँ हों, ठीक है, अब वो ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है आपके करियर को लेके नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बुरी भली बातें कह रहे हैं आपको लेके, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए सजेशन है कि आपको मूव करते रहना है, आपको आगे बढ़ते जाना है इन लोगों को इग्नोर करके, देन आपके लाइफ में पीस आएगी, ठीक है ना, ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो सिग्निफिकेंट चीज़ है उसके ऊपर से आपका फोकस हटके कहीं और फोकस हो जाए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपका अपना फोकस सही जगह पे रखना है, ठीक है ना, आप अगर किसी भी गिल्ट, आपको वो लोग फील करा रहे हैं कि आप में गलतियाँ हैं, आप गिल्टी हो, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं रखना, आपको गिल्ट से रिलीज़ होकर हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है, सेलिब्रेट करना है, ठीक है ना, सी यहाँ पे मैसेजेस है, गिल्ट एंड देन वी हैव सेलिब्रेशन, ओके, आप अगर किसी भी तरह की गिल्ट कॉन्शियस से गुजर रहे हो, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको अब्यूज़ किया, आपको फील करवाते हैं कि आपकी गलती है, आपके गलती की वजह से रिलेशनशिप में खराबियाँ आई हैं, फैमिली में खराबियाँ आई हैं, मैरिज में खराबियाँ आई हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं करना है, बल्कि आपको उस गिल्ट से निकल के आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जीज़ को दिखाना है, एंड देन आप फील कर पाओगे कि आपके अंदर हारमोनी आई है, ठीक है ना, आपकी रिलेशनशिप सही होगी, ओके, जो लोग नेगेटिविटी क्रिएट करना चाह रहे हैं उससे रिलीज़ हो जाएं, एंड अगर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज़ आप उस अपॉर्चुनिटी को वापस पा सकते हो, ठीक है, कुछ नेगेटिव लोग जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, अगर आप उनकी तरफ से ध्यान हटा के अपने वर्क के ऊपर फोकस होते हो, डेफिनेटली आप उनसे छुटकारा पा के हारमोनी की तरफ बढ़ोगे, ठीक है ना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी, अगर आपको किसी तरह का एडिक्शन है या फिर डेफिनेटली कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको बहुत दिनों से पकड़ के रखी है, इन नेक्स्ट 7 डेज़ में डेफिनेटली आपकी एनर्जीज रिवाइव होगी, रिफ्रेश होगी, एंड आप कुछ सिग्निफिकेंट मेजर स्टेप्स ले सकते हो, मेजर स्टेप्स का एंड करेज आया, ओके, सो आपको करेज के दिखानी है, आपको हिम्मत दिखानी है, ठीक है ना, अगर आप अभी बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, अलोन फील कर रहे हो, आपको हिम्मत रखना है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। सी यहाँ पे सी हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे कुछ भी वर्क ना कर रहा है, आपको फील हो रहा है कि ऐसे सिचुएशन में कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे स्टोन पे भी हिम्मत के कारण, ठीक है ना, एक पौधा निकल के आया, सो ये आपकी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, एंड देन आपको फील होगा कि आपकी इस हिम्मत की वजह से आपके लाइफ में हार्मोनी आई है, आपकी रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में, आपके हेल्थ में सुधार हुआ है, ठीक है। सी टर्निंग इन,
यहाँ पे बहुत सारे लोग इनको बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, मेडिटेटिव स्टेज पे शांत है, खुद पे फोकस्ड है, यही एनर्जीज की बात मैं कर रही थी। एंड ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर आप दूसरों को देख के सैड फील कर रहे हो कि ये लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरी रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, मेरे पार्टनर मुझे समझने की कोशिश नहीं करते, तो फिर भी आपको सारी नेगेटिविटी को छोड़ के खुद के पे ऊपर फोकस होना है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, ठीक है ना। मेरी तरफ से क्या योगदान होना चाहिए इस सिचुएशन को सही करने के लिए, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है जो आपको करना है। कॉन्सियसनेस की चीज़, एस ऑफ सोर्ट्स, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है ना। मेडिटेशन करो, आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। यहाँ भी बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा इज इन मेडिटेटिव स्टेज, दिस लेडी इज ऑल्सो इन द मेडिटेटिव स्टेज, एंड सी ये पर्सन भी मेडिटेटिव स्टेज में है। सो आप कुछ टाइम, 5 से 10 मिनट, आधा घंटा, आपके पास जैसी टाइम हो, ठीक है ना, आप मेडिटेटिव स्टेज में बैठे, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको चीज़ें समझ में आएगी, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी कि आपको क्या करना है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे आपकी मैसेजेस है। अगर आप डिप्रेशन एंजाइजी से गुजर रहे हो दोस्तों, ठीक है ना, आपके एग्जाम्स हैं, आप बहुत वरीड हो, एनसीएस हो रहे हो, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52। ओके, आपको इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन की तरफ देखने की ज़रूरत है। हो सकता है वो आपको कोई मैसेजेस सेंड करते हो थ्रू सिंबल्स, थ्रू नंबर्स, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। डोर टू रोमांस, ओके। सो नंबर 33 एंड सोस कि आपके लिए इन नेक्स्ट 7 डेज में, अगर आप किसी कोई आपका कोई क्रश है, ठीक है ना, आप उसकी तरफ देखते हो, आपको कोई वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, ठीक है। अगर आपकी रिलेशनशिप में लैक ऑफ लव है, आपके पर्सन अपना हर्ट ओपन नहीं कर रहे, डेफिनेटली दिस पर्सन विल ओपन हिज हर्ट और हर हर्ट, ठीक है ना। ये केज में हर्ट है, सो ये हर्ट ओपन हो सकता है, वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप में लव ग्रो होगी, सी एंजल ऑफ लव, ओके। सो आपके लिए न्यू लव इन 7 डेज में किसी पर्सन से आप मिल सकते हो, ठीक है, ये भी चीज़ पॉसिबल है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, वहाँ से कॉल आ सकता है, गार्डन अंदर गेट। आप अगर किसी पर्सन से इमोशंस छुपा के रखे हुए हो, या फिर आपसे किसी पर्सन ने इमोशंस को छुपा के रखा हुआ है, वो पर्सन आपसे इमोशंस रिवील कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए देख रहे हो दोस्तों, डेफिनेटली यू कैन ट्रैवल समवेयर, ठीक है, अगर आपको परमिशन नहीं मिल पा रही है ट्रैवल। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट का कार्ड है, नंबर 13 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 30 लेटर सी कैन बी इम्पॉर्टेंट, एच कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। सो दोस्तों, आपको फाइनेंसिस को लेके काफ़ी सीरियस होने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिना सोचे समझे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सेलिब्रेशन होने वाली है, आपके घर में कोई पार्टी, मैरिज, तो आपको फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से संभालने की ज़रूरत है, इन फ्यूचर वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ओके। वी हैव केयरिंग कनेक्शन, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर आपको काफ़ी फील कराएंगे स्पेशल, दे कैन गिव यू सम गिफ्ट, ओके, दिस इज़ द थिंग। वी हैव विजडम, नंबर 32 कैन बी इम्पॉर्टेंट, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ओके। सी सो आपको काफ़ी विजडम दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है ना, मैच्योरिटी का भी कार्ड है एंड विजडम का भी कार्ड है। आपका अभी ऐसा टाइम चल रहा है, और इन नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, विजडम का इस्तेमाल करो, बचकानी हरकतें और बेवकूफ़ी वाली हरकतें बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। मैनिफेस्टेशन, सी फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, आपके जो भी ड्रीम्स गोल्स हैं आप उससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है ना, एंड करनी चाहिए आपको। फ्यूचर, सी लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, अगर आप पास्ट में अटके हुए हो तो आपके लिए फ्यूचर में एक ब्यूटीफुल फ्यूचर वेट कर रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे रोजेज है विच शोज लव एंड रोमांस, अ न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं, ठीक है, बट कब, जब आप पास्ट को लेट गो करते हो, पास्ट में स्टक हो तो आपको निकलना है। रेनबो, सी आपके लिए रेनबो है, देर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, यहाँ पे फ्यूचर है। अगर आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है आपको पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना है, तब आपको रेनबो मिलेगा, ठीक है ना, देर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आप में टैलेंट है, आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटीज है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, पास्ट को छोड़ो, आगे बढ़ो, एंड यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। चलिए अब आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है ना, बट आपको विजडम का इस्तेमाल करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, मेडिटेशन करना है, इन नेक्स्ट 7 डेज में ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून. अगर आप कहीं भी स्टक हो, किसी पर्सन में स्टक हो, किसी सिचुएशन में स्टक हो, नेगेटिविटी में स्टक हो, नेगेटिव लोगों के साथ स्टक हो, आपको वहाँ से मूव हो जाना है जल्द से जल्द. वहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है. नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. रिलेशनशिप में अगर आप हो फुल मून इन लियो, आप लियो हो सकते हो, तो आपको बिल्कुल भी प्राइड, ईगो ये नहीं दिखाना. ठीक है, पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ना है, माफ़ करना है. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. फुल मून इन एक्लिप्स. ओके, सो थिंग्स जो आपको लग रहा है अधूरी हैं वो पूरी हो जाएंगी. ठीक है ना, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अधूरी या फिर अनआंसर्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. फुल मून इन कैप्रिकॉर्न. अगर आप किसी लव्ड वन के लिए, कोई फैमिली मेम्बर, कोई पार्टनर, किसी के लिए भी अगर आप वरीड हो, ठीक है, तो कहा जा रहा है आपसे कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. फुल मून इन न्यू मून इन कैंसर. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. मैंने आपको कहा ना, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे जिसके लिए आप वरीड हो. ठीक है, इन नेक्स्ट 7 days में आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट सवाल के जवाब आ सकते हैं, विच यू आर वेटिंग फॉर. सो दिस वॉज द रीडिंग. आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है. ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. दोस्तों कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दे. ये भी आपकी रिक्वेस्टेड ही वीडियो थी. एंड और भी आपने अगर रीडिंग्स के लिए सजेशन दिए हुए, डेफिनेटली मैं उस पर वर्क कर रही हूँ. आप पेशेंटली वेट करें, मैं वो सभी रीडिंग्स को लेके आऊँगी. बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग.